नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आइए एक नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। कोच जालान व्यापार सभा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ता अपने साथ बैलगाड़ी पर गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के डिब्बे रखकर धरना स्थल पहुंचे। सपा के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए अभिमन्यु गुप्ता, प्रदेश महासचिव, ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार बनी है तब से पेट्रोल के दाम 90 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गए हैं। 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी तब गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपये थे, लेकिन वर्तमान में यह गैस 800 रुपये तक पहुंच चुका है। भाजपा जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से एक भी काम ऐसा नहीं किया गया जिससे लोगों को राहत प्राप्त हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता आज अपनी सरकार के दौरान देश के लोगों की दुर्गति देख कर भी अपनी आँखें बंद किए हुए हैं। किसानों के हित की बात करने वाली भाजपा के राज में ही आज किसानों की अत्यधिक दुर्दशा हो रही है। एक तरफ भाजपा उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर गरीबों को देने की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि करके लोगों के साथ धोखा कर रही है। इस मौके पर विधायक दया शंकर वर्मा, सरनाम यादव, मनोज इकड़िया, जिलाध्यक्ष जालौन छोटू टाइगर, धीरेंद्र यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रतिपाल सिंह गुर्जर बट्टू, राजेंद्र पटेल, चमर सेना, धीरज यादव, राजू, संजीव तिवारी, लोहिया वाहिनी, रामशरण कुशवाहा, कुसुम सक्सेना, रहम इलाही, संदीप अग्रवाल, हरीश चंद तिवारी, रामशरण, कृष्णपाल सिंह गुर्जर, चंद्रपाल सिंह, राजू महाराज चंदानी, राजेंद्र सिंह चौधरी, शिवम निरंजन, शिवम पटेल, प्रभाकर शर्मा, शादाब अंसारी, मनीष सिकरी, सद्दाम कुरैशी, ताहिर कुरैशी, नन्नू राजा, अफसर कुरैशी, अमन यादव, शरीफ कुरैशी, जितेंद्र सिंह कुशवाहा, अजय अग्रवाल, शांतनु यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये थी आशीष सोनी की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य, किसके लिए आप लोगों ने ये धरना किया? देखिए, जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि की गई है, जनता को जो वादे किए थे उन वादों को धोखे के रूप में तब्दील करके जिस तरीके से भाजपा ये शासन चला रही है, उसके विरोध में समाजवादी व्यापार सभा के संयोजन में, जालौन के हमारे जिला अध्यक्ष हमारे मनोज जी के, उनके संयोजन में आज हम सब ने यहाँ पे कोंच तहसील में धरना प्रदर्शन करके महंगाई और हर जन विरोधी जितने भी नीतियाँ हैं उनके विरोध में ज्ञापन देते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आज पूरा प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। भाजपा की गलत नीतियों से, भाजपा की महंगाई, भाजपा में बढ़ते अपराध से परेशान है और सब संकल्प ले चुके हैं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे, भाजपा को हटाएंगे।